और वही अल्मोड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। अगस्ता वेस्टलैंड का मामला अब उत्तराखंड भी पहुंच गया है। घोटाले का मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस घोटाले में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी का हम पुतला अगस्ता जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला है, जिसमें सोनिया गांधी का नाम पहले ही इस देश में आ रहा था और आज इटली से भी उनका नाम आ रहा है और उसमें इटली की सरकार के लिए 250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उसी को लेकर हमने आज सोनिया गांधी का पुतला फूंका है।